इंडियन डिफेंस फोर्सेस टेक्निकल ऑफिसर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका देती है जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए शायद यूज ना किया जाता हो। और अगर आप भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर सर्व करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हो और IAF की टेक्निकल ब्रांच से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे टेक्निकल स्ट्रीम्स, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग डिटेल्स को भी देखेंगे। IAF की टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन करने के लिए बस एक ही एंट्री मौजूद थी, दैट इज FCAT एंट्री। पर आज आप प्लस टू कम्प्लीट करने के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी की एयरफोर्स विंग में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि अब फीमेल कैंडिडेट भी प्लस टू के बाद NDA की एयरफोर्स विंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच को ऑप्ट कर सकती है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर FCAT एंट्री इन ऑर्डर टू ज्वाइन टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ IAF। इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच में दो ही सब ब्रांच या स्ट्रीम आती है, दैट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन दोनों एंट्री में सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। अगर आप FCAT एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी क्लियर करना होगा। रिटन एग्जाम से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को किसी एक AFO सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाएगा फॉर Stage 1 एंड Stage 2 टेस्टिंग। AFSB से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है एंड एट लास्ट मेडिकली फिट कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है और मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। टेक्निकल ऑफिसर्स कैडेट्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग की बात करें तो FCAT एंट्री से आए कैडेट्स की ट्रेनिंग का टोटल ड्यूरेशन है 74 वीक्स, जिसमें इनिशियल 22 वीक्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी में होती है। AFA में इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स को AFTC यानी एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में भेजा जाता है, जहां पर उनके आगे की 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। एंड दिस ट्रेनिंग एट AFTC इज डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स ऑफ 24 वीक्स ईच सेपरेटेड बाय अ टर्म ब्रेक। वही NDA ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी में ही होती है, बट अलॉन्ग विद देयर ट्रेनिंग एट NDA कैडेट्स आर परस्यूइंग BTech कोर्स। NDA से पास आउट होने के बाद उनकी आगे की ट्रेनिंग AFA और AFTC में होती है। तो लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।